आप सभी का स्वागत है, और हाँ बधाई हो। बधाई इसीलिए क्योंकि हर वो शख्स जिसने इस वक्त भगवद गीता के इस ऑडियो पर क्लिक कर अपने आप को भगवद गीता के इस सफर से जोड़ने का मन बनाया है, मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि अपनी सफलता की ओर, अपनी शांति की ओर और अपने जीवन में सुख समृद्धि की ओर आपने अपना पहला कदम बढ़ा लिया है। आगे का सफर हम साथ निभाएंगे, मैं अंत तक बने रहूंगा आपके साथ। आप ही का अपना राज, राज की जुबानी, ओनली ऑन कुकू FM, सुने जो मन चाहे। आज हम जानेंगे सार श्री कृष्ण के मुख से निकली हुई स्वर्ण वाणी, जिसे संपूर्ण विश्व कहता है भगवत गीता। आज हम जानेंगे भगवत गीता के ऐसे 11 पाठ जो हम अपने जीवन में सद्भावपूर्ण, अच्छी आदतों के तौर पर और अच्छे विचारों के तौर पर अपनाकर जीवन के चक्र को हमेशा के लिए बेहतरता की ओर अग्रसर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पाठ्य प्रथम भगवद गीता के अध्याय से ये सीख देते हुए कि कॉन्सेंट्रेट ऑन योर गोल, डू योर वर्क एंड फोकस नॉट ऑन द रिजल्ट, कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। मान लेते हैं कि आपने अपने मन में एक लक्ष्य को ठान लिया है, अपने कंपनी में सबसे टॉप मोस्ट पोजीशन को हासिल करना। हम यहां उदाहरण लेंगे एक CEO का, मेरा मतलब है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। आपका सपना है कि आने वाले 5 सालों में मैं अपनी वर्तमान स्थिति से उठकर कुछ ऐसा श्रम कर जाऊं कि मुझे इस कंपनी में CEO का पद प्रदान किया जाए। मगर क्या लगता है आपको कि ये हासिल करना इतना आसान है? उत्तर साफ और सटीक है, ना। इसके लिए आपको जीतोड़ मेहनत और तैयारी करनी होगी। आपको इस पद के लिए खुद को लायक बनाने हेतु टीम मैनेजमेंट क्लासेस अटेंड करनी होगी। एक बांस की नजर रखते हुए, जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है एन ईगल्स आई, सारे लेटेस्ट और रीसेंट टेक ट्रेंड्स और भी बहुत कुछ अपने ध्यान में रखना होगा। अगर आप अपना वक्त यू ही वाया कर देंगे, यू ही बर्बाद कर देंगे ये सोचते हुए या ये स्वप्न देखते हुए कि मुझे CEO बनने के बाद जीवन में और कितनी समृद्धि की प्राप्ति होगी, तो मैं यहाँ पर आपको जिंदगी की असलियत से रूबरू करता हूँ। आप केवल ख्याली पुलाव पकाने में लगे हुए हैं और दुर्भाग्यवश आप अपना यह सपना पूरा नहीं कर पाएंगे। केवल और केवल कर्म ही आपके सपने को सच्चाई का रूप दे पाएगा। इसलिए हमेशा याद रखें, जिसे आना होगा वो आएगा, जिसे जाना होगा वो जाएगा। कई बार आपके खाते में सफलता आएगी तो कई बार विफलता, मगर एक चीज जो आपने नहीं छोड़नी है, जो आपको शून्य से लेकर आसमान की ऊंचाई तक पहुंचाएगा, वो सिर्फ और सिर्फ आपका कर्म है। इसलिए श्री कृष्ण वाणी भगवद गीता के माध्यम से कहती है कि कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। बने रहिए हमारे साथ परम पूज्य भगवद गीता से दूसरी सीख जानने के लिए, जो कहती है कि डर का सामना डट कर करो और आखिरी सांस तक लड़ो। भला क्यों और कैसे, ये जानने के लिए दूसरा अंश जरूर सुनिएगा।